तो हमारे पास अब एक और प्रोग्राम है, 32 नंबर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब पहले हमने सिर्फ इफ को इस्तेमाल किया था, अब इफ के साथ एल्स भी इस्तेमाल करना है। ये याद रहे, एल्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये इफ के पैरेलल इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट इफ इस्तेमाल हो सकता है विदाउट एल्स, लेकिन एल्स विदाउट इफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ओके, तो कह रहा है इन दोनों को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू को कर दो जीरो और वाई जब हो 10 के बराबर, अदरवाइज एक्स की वैल्यू को कर दो 1। तो इसने मैं समझा दिया कि एक्स की वैल्यू इनिशियल होगी 1 और इसको जीरो कब करना है, जब वाई की वैल्यू होगी 10। तो वाई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसको भी हम जीरो कर सकते हैं जो भी चाहें। तो दोबारा से हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं प्रोग्राम को अपने सेवेस कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख रहा हूँ 32। तो इस तरह से मैंने क्लिक किया प्रॉब्लम 32 इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, प्रॉब्लम 32 इफ एल्स कंडीशन सॉल्व किया गया। अब इस प्रोग्राम में सिर्फ थोड़ा बहुत ही चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमने एक्स की वैल्यू इनिशियल 1 कर देनी है और वाई की वैल्यू जब 10 हो तो उसको एक्स को 0 देना है। तो वाई की वैल्यू तो हम इनपुट ही लेंगे, इंटर फॉर वैल्यू पर वाई ऐसे ही रहेगा, वाई की कोई वैल्यू नहीं रख रहे। और जब इनपुट ले लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, इफ और एल्स को यूज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वाई की वैल्यू 10 हो तो जो है एक्स को 0 करना है, डेटा साइन 0 टू एक्स व्हेन द वाई इज इक्वल टू 10, अदरवाइज एक्स शुड 1। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ वाई इज इक्वल टू 10 देन एक्स गोज टू 0। अब यहां पर एक्स गोज टू 0, अदरवाइज एक्स को 1 भी तो करना है, एक्स को 1 भी तो करना है। अच्छा, वैसे इसमें ये प्रोग्राम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी 1 है, 0 तक तब होगा जब इसको 10 करेंगे। अगर 10 नहीं करते, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, तो वो ऑलरेडी 1 ही रहेगा। तो इस सूरत में अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे असाइनमेंट खत्म कर देंगे, सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे। और डिक्लेरेशन करने के बाद यहां पर इफ के बाद पैरेलल लगाएंगे एल्स, और एल्स में उसके भी बॉडी ब्रैकेट्स बना देते हैं और उसमें एक्स को असाइन कर देंगे क्या 1, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू का आउटपुट ले लेंगे। तो अब होगा क्या, दोनों वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है, नल है। जब हम इनपुट डालेंगे 2 तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब नहीं होगी तो ये कोड बाईपास होगा और ये वाला कोड चलेगा। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी कर देगा 1, तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा एक्स की वैल्यू का 1। जब सेकेंड टाइम प्रोग्राम चलाएंगे और यहाँ पे डालेंगे 10, तो जब 10 डालेंगे तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कोड चलेगा, जब ये चलेगा तो एल्स वाला कोड नहीं चलेगा, जब नहीं चलेगा तो यहाँ एक्स की वैल्यू का आउटपुट क्या आएगा 0। चलें प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। रन किया हमने प्रोग्राम को, एक्स की वैल्यू पर 4 डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही रन किया प्रोग्राम को और यहाँ पे हमने 10 डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये हमारा प्रोग्राम यहीं पर ही सॉल्व हो गया, ठीक है।